अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम जीडब्ल्यू बेसिक पे लेसन नंबर 2 के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेसन में हमने जीडब्ल्यू बेसिक के बारे में कंप्लीट डिटेल से देखा था कि जीडब्ल्यू बेसिक होता क्या है, इसके फीचर्स इसमें क्या क्या हैं, किस लिए यूज़ किया जाता है। आज के लेसन में हम देखेंगे कि जीडब्ल्यू बेसिक के लिए जो कंपाइलर होता है उसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, उसे इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले बताया था आपको कि जीडब्ल्यू बेसिक बेसिकली आपके पास विंडो एक्सपी विंडो 98 में चलता है, क्योंकि ये आपके पास डॉस या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जीडब्ल्यू बेसिक डॉस के लिए यूज किया जाता है। तो आजकल कुछ जो न्यू विंडो है जिनमें विंडो 7 आ जाती है, विंडो 8, 8.1, विंडो 10, इनमें जीडब्ल्यू बेसिक सॉफ्टवेयर रन करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आपको विंडो एक्सपी इंस्टॉल करनी होती है। आप विंडो एक्सपी इंस्टॉल करें तो विंडो एक्सपी पे वो काम होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक और भी काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो जीडब्ल्यू बेसिक की तरह ही काम करते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड होते हैं और उसके अलावा जीडब्ल्यू बेसिक का सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे डाउनलोड होता है, इन सब चीजों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे डाउनलोड आप कर सकते हैं और काम कैसे करेंगे। तो आज के लेसन तरफ चलते हैं, देखते हैं आज के लेसन में हमने क्या क्या करना है। लेसन नंबर 2 है जीडब्ल्यू बेसिक में, हम देखते हैं हाउ टू डाउनलोड जीडब्ल्यू बेसिक प्रोग्राम या जीडब्ल्यू बेसिक प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड हाउ टू डाउनलोड QB64। QB64 जो है ये बेसिकली लैंग्वेज ओल्ड लैंग्वेज है, लेकिन इसमें ये जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है इस सॉफ्टवेयर में आप जीडब्ल्यू बेसिक से रिलेटेड सारे के सारे काम कर सकते हो। अगर आपके पास जीडब्ल्यू बेसिक सॉफ्टवेयर है तो उसमें भी आप वही काम करोगे जो मैं QB64 में करूंगा, क्योंकि मेरे पास विंडो 8.1 है, मेरे पास जीडब्ल्यू बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। तो इसलिए मैं QB64 पे काम करूंगा और आप भी अगर आपके पास जीडब्ल्यू बेसिक है तो आप जीडब्ल्यू बेसिक पे काम करें, मेरे लेसन को आप फॉलो करें, तो इसमें और उसमें बिल्कुल सेम ही वर्क होगा, कोई फर्क नहीं होता इन दोनों में। तो जीडब्ल्यू बेसिक को आप डाउनलोड कैसे करते हैं इसके ऊपर डिस्कस करता हूं मैं। तो जीडब्ल्यू बेसिक के लिए ब्राउजर है, ब्राउजर में ओपन किया है मैंने और ब्राउजर में आप देखें तो आपके यहां पर एक साइड आपको नजर आ रही है www.gw/basic.com। अब GW Basic की जो आपके पास एनवायरमेंट स्क्रीन होती है वो ये होती है, ये आप देख सकते हैं। यह बस GW Basic की स्क्रीन है और इसके अंदर जो काम आप करेंगे विंडो 8 के लिए, विंडो 7 के लिए भी डाउनलोड हो सकता है। इसका तरीका कार क्या है, आपने किस तरह से डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको समझाता हूं, अपने कैसे डाउनलोड करने से विंडो 8 और 7 के लिए। लेकिन आप कॉपीराइट देखें, लिखा है माइक्रोसॉफ्ट 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 एंड 1988, मीन सिर्फ और सिर्फ ये इन विंडोज में चल सकता है, इसके अलावा और किसी विंडो में नहीं चल सकता। विंडो एक्सपी में भी आप इसे यूज कर सकते हैं, 7 में ये बहुत मुश्किल होता है इसे यूज करना, लेकिन एक और मेथड है जिसके थ्रू आप इसे यूज कर सकते हो। वो क्या है कि मैं यहां पे सबसे पहले जीडब्ल्यू बेसिक को डाउनलोड करूंगा, यहां से इसे यहां से अपने डाउनलोड करना है जिप फाइल में, मेरे पास डाउनलोड पड़ा हुआ है पहले से, आपने जस्ट क्लिक करना है बस डाउनलोड हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाए तो डाउनलोड होने के बाद आपने से क्या करना है कि यहां पे मेरे पास डेस्कटॉप पे बल्कि डाउनलोड में मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ये मेरे पास gwbasic.exe देख सकते हैं, इसको राइट क्लिक करता हूं मैं और इससे आपने क्या करना है, इसको आपने ओपन करना है या फिर एक्सट्रैक्ट करना है। कहां पे करना है, सिलेक्ट करें इसको gwbasic.exe को, एक्सट्रैक्ट टू पे क्लिक करें। इसके लिए आपके पास ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए विंड्रार सॉफ्टवेयर, आपने इंस्टॉल करना या पास होना चाहिए और इसे आपने करना है सी में जाके, इसे आपने सी में जाना है। जाने के बाद gwbasic के नाम से एक एग्जी मेरे पास फाइल बनी हुई है, देख सकते हैं, यहां से भी आपको बता देता हूं ताकि आपको सही समझ आ जाए। gwbasic.exe के नाम से मेरे पास एक फोल्डर बना हुआ है और इसके अंदर आपने क्या कर देना, एक्सट्रैक्ट कर देना है। जैसे कि अब ये
इस फोल्डर, फोल्डर आपने पहले बना दें जी, इसमें सी ड्राइव में आपने फोल्डर राइट क्लिक करनी है, न्यू फोल्डर पे क्लिक करें और ये वाला इस नाम से फोल्डर बनाएं, जी डब्ल्यू बेसिक डॉट एक्सी के नाम से। जब ये फोल्डर बन जाएगा तो फिर आपने यहां पे क्या करना है कि इसको इस फोल्डर के अंदर आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके आपने ओके कर देना है, तो ये इसके अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाएगी फाइल। जब ये फाइल यहां पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी उसके बाद आपने एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है। कौन सा सॉफ्टवेयर है वो? वो सॉफ्टवेयर है डॉस बॉक्स, एक सॉफ्टवेयर है। आपने इस साइड में जाना है, www.dosbox.com पे जाना है और वहां से आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने पर आपके पास आ गया डाउनलोड नाउ, देख सकते हैं। जस्ट आपने यहां पे क्लिक करना है तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका सोर्स कोड ओपन हुआ और ये मेरे पास यूर, ये देखें ये मेरे पास सॉफ्टवेयर स्टार्ट होना, यहां से 210 ये भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आ गया सॉफ्टवेयर, सिलेक्ट करता हूं इसको, ये डाउनलोड हो गया मेरे पास। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड, जब ये सॉफ्टवेयर हो जाएगा फिर आपने इसको इंस्टॉल करना है। ओके, ओपन फोल्डर करता हूं। अब इस सॉफ्टवेयर को, ये आपका सॉफ्टवेयर है, इसको अपने ओपन करके इसको इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के लिए आपने बस जस्ट ओके, यहां से नेक्स्ट करना है, सिलेक्ट है, नेक्स्ट करना है, तो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया, क्लोज। फिर इस सॉफ्टवेयर को अपने डेस्कटॉप से ओपन करना है। ये डॉस बॉक्स के नाम से डबल क्लिक करके इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद यहां पे आपने टाइप करना है, क्या चीज टाइप करनी है आपने जी? आपने टाइप करना है, यहां पे मैं मैग्निफाई करता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। यहां पे आपने टाइप करना है माउंट, माउंट स्पेस देना है सी, सी डबल कोट्स, ये बैक स्लैश डालनी है और यहां पे आपने लिखना है जी डब्ल्यू बेसिक डॉट एक्सी जो हमने लिखा था। कह रहे ड्राइव सी इज माउंटेड एज लोकल डायरेक्टरी सी जी डब्ल्यू बेसिक डॉट एक्सी। फिर आपने यहां पे क्या लिखना है? सी ये लिखना है, लिखने बाद आपने यहां पे लिखना है जी डब्ल्यू बेसिक। ओके, आप पास जी डब्ल्यू बेसिक आ गया, देख सकते हैं ये प्रोग्राम जो है, ये देख सकते हैं लिस्ट 1 2 3 4। अब यहां पे अगर नीचे देखें तो बस ये जी डब्ल्यू बेसिक यहां पे प्रोग्राम आ गया। अगर आप यहां पे देखें जरा, सॉरी ये, अब यहां पे अगर आप देखें ये जी डब्ल्यू, सॉरी, अब यहां पे अगर आप देखें तो आपको देख नजर आ रहा होगा कि इसकी यहां से मैं मैग्निफाई करता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। आप यहां पे देखें जरा तो आपको ये नजर आ रहा होगा जी डब्ल्यू बेसिक बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने ओपन किया। इसको भी देखें, देख सकते हैं, तो ये जी डब्ल्यू बेसिक है। इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिखता हूँ जी सी एल एस, CLS stand for clear screen, बिल्कुल स्क्रीन देखें क्लियर हो गई, आप देख सकते हैं कुछ भी यहां पे अब नहीं है। देख सकते हैं CLS, अब मैं यहां पे लिखता हूं जी प्रिंट हेलो वर्ल्ड, देखिए इसे प्रिंट करके दे दिया हेलो वर्ल्ड, ये सामने इसने प्रिंट करके दे दिया आपको हेलो वर्ल्ड, देख सकते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड दे दिया।
तो ये जी देखें, ये जी आपस जी डब्ल्यू बेसिक में डॉक बॉक्स है, और यहाँ पे देखें जी डब्ल्यू बेसिक प्रोग्राम है। लेकिन ये मेरे पास विंडो 8 में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा बार बार, कि बार बार मुझे ये काम करना पड़ेगा, जिसमें मैंने जैसे कि अभी मैंने इसकी डायरेक्टरीज वगैरह बनाई है, ऐसे दोबारा बार बार करना पड़ेगा। इसलिए मैं इस पर काम नहीं करूँगा, मैं इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर इस पर काम करूँगा जो कि इससे ज़बरदस्त और इससे भी अच्छा सॉफ्टवेयर है और फ्रेंडली यूज सॉफ्टवेयर है वो। तो वो सॉफ्टवेयर है आपके पास जी, अब जी डब्ल्यू बेसिक आपको पता चल गया कैसे आपने इंस्टॉल करने, कैसे इस पर काम करना है। तो सॉफ्टवेयर आपके पास QB64, ये जी QB64 है आपका सॉफ्टवेयर, ये आपको नज़र आ रहा होगा QB। इसमें देखिए मेन्यू भी है यहाँ पे, और इससे अच्छा सॉफ्टवेयर है देख सकते हो। तो इसे आपने विंडो पे क्लिक करना है, विंडो के लिए हम इंस्टॉल कर रहे हैं विंडो। विंडो पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड जिप पे क्लिक करें, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये डाउनलोड होना यहाँ पे देखें स्टार्ट हो गया यहाँ पे, मैं इसको कैंसिल करता हूँ फिलहाल, क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ है डाउनलोड किया हुआ है। और मैं यहाँ पे डाउनलोड में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ कि ये जी मेरे पास जी प्रोग्राम कंप्रेस में होगा, ये QB64 देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है QB64। इसको मैंने राइट क्लिक किया, करने के बाद मैंने एक्सट्रैक्ट हेयर किया, तो मेरे पास यहाँ पे ये आ गया। अब ये मेरे पास आ गया, ये आपके पास पोर्टेबल सॉफ्टवेयर है, मीन आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आपने जस्ट यहाँ पे अनटाइटल जहाँ पे लिखा हुआ है इस पर डबल क्लिक करेंगे, या QB64 पे एप्लीकेशन जो है इस पर डबल क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा देख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है और हम इसी पर इंशाल्लाह काम करेंगे सारा सारा। तो ये जी आपके पास कि आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर जो कि आपके पास जी डब्ल्यू बेसिक से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होंगे। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इस चीज़ की समझ आई होगी कि आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।